जानता है जेली। अब बेसिक पे बात करते हैं गाइस, ठीक है, पूरा पीसी ला दिया मैंने, बेसिक से बात करते, ठीक है। कट ऑफ हम कितना लेके चल रहे गाइस, जल्दी बताओ कट ऑफ, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कितना कट ऑफ है जो निकाल के बंदा सेफ तो हो जाएगा, मतलब 16 पे आ जाए, 15 पे आ जाए, बट आ जाएगा, क्या है कट ऑफ, वो क्या नंबर है वो जिसको निकाल के 16 पोजिशन पे भी आ जाए, 15 पे आ जाए, बट क्वालिफाइड हो जाएगा? 45। चलो मोस्ट ऑफ यू गाइस आर सेइंग 45, ठीक है, मोस्ट ऑफ द गाइस आर सेइंग 45, लेट्स लेट्स पिक 45 फॉर दिस, ठीक है, अभी के लिए 45 लेते हैं, ठीक है। माइनस कर लो 11, 11 ऑलरेडी निकाल चुके, 34 पॉइंट्स चाहिए तीन मैचेस में, दैट इज 11 का एवरेज। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने गेम प्लेस देखे थे, तुम लोगों ने गेम प्लेस देखे बाकी टीमों के भी, गुजरात टाइगर कैसे खेल की गई, मिल्ड कैसे खेल की गई, सेवन श्योर कैसे खेल की गई, TSW कैसे खेल की गई, इवन WL जैसे खेल की गई, खेल सकते हो ऐसे कि एक आधा मैच में फिनिशेस निकालो, बाकी उसके बाद उसको लीड को नरिश करो, ठीक है। 33 के एवरेज, मतलब 33 के सॉरी 11 के एवरेज, 33 पॉइंट 34 पॉइंट, आई थिंक इट्स नॉट दैट बिग भाई। इससे पहले जब खेला था गॉडले तो जेली ने दो मैचेस में कितने बनवा दिए थे, मतलब तीन मैचेस थे ओवरऑल, बट दो ही गए थे वो, एक साथ गिनो, दो गिनो या तीन, तीन ही गिन लो उसको। कितने थे ग्राइंड में, कितने थे गाइस ग्राइंड में, कितने पॉइंट्स आए थे, जल्दी बताओ ग्राइंड में कितने पॉइंट्स आए थे, नहीं खेल पाएंगे, नहीं ला पाएंगे, अरे यार क्या बात कर, 48 तो 48 पॉइंट्स लाए थे ना यार, तो हो सकता है। 11 की एवरेज की बात करो, व्हाट इज द काइंड ऑफ प्ले दैट कैन बी डन। देखो अब तो वो मूवमेंट चल गया कि अब तुम रिस्क लो कि हाँ एक ड्रॉप कैश लेते और देखा जाएगा, अब वो नहीं कर सकते, राइट? डू यू गाइस एग्री टू दिस? क्या तुम्हें लगता है, अगर तुम लगता है कि गॉल्ड को उतरते एक ड्रॉप कैश लेना चाहिए कि जीते तो जीते, हारे तो हारे, तो प्रेस वन। अगर तुम लगता है कि नहीं गॉल्ड को थोड़ा सेफ खेला चाहिए, जैसे टीम तमलास खेलती है, आई ऑलवेज गिव टीम तमलास के एग्जांपल, तो प्रेस टू। क्या कहते हो, वन और टू? गोल हटाओ, बॉल बचाओ, शॉट हटाओ, गोल बचाओ, जेली हटाओ, गोल बचाओ, हाँ वही तो भाई, ये प्लास्टिक पॉइंट, प्लास्टिक पॉइंट, प्रेस टू किया सबने भाई, ठीक है। तो सबका वही कहना है भाई कि सेफ खेलो। थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्ले स्टाइल पे, व्हाट कैन बी डन, अगेन सेइंग इट, आई एम नॉट एन एनालिस्ट, मुझे नहीं पता, मुझसे बहुत अच्छा पता है क्वार्टर बाई को, जेली को एंड बहुत लोगों को, हम कि 33 एवरेज गान लिए, मैप्स कौन से हमारे पास, इरांगल है, मिरामार है, सैनोक है ना, सबसे बड़ा खतरा जो है वो मैप कौन सा है गॉडलाइक के लिए, वो मैप है मिरामार का। दिस इज दी ओनली मैप जिसपे बीटी हुई, अब तक बीटी हुई और पॉइंट्स नहीं आए, आई थिंक किसी मिरामार पे कुछ खास पॉइंट्स, किसी मिरामार पे कुछ खास पॉइंट्स नहीं आए, पिछले मिरामार में कुछ 4-5 पॉइंट्स आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 पॉइंट्स आए थे शायद पिछले मिरामार में, वो भी बहुत गलत ही कंडीशन थी, वो तो कैसे बच गए पता नहीं, वो वॉच पार्टी वाला जो हमने किया उसको देखना। चंडीगढ़ भाई, अच्छा चंडीगढ़ लास्ट में, फिर निकलो, फिर बंदे उठाओ, मारना शुरू कर दो, और वहां से मोमेंटम बनी सोल की, और फिर देखो सोल ने क्या कमाल किया, 50 पॉइंट निकाले भाई, तो ऐसा मोमेंटम बनाना, मोमेंटम का गेम है सारा। तो सेफ खेलो, चिकन लो, और एक सेफ खेला हुआ चिकन कितने फिनिशेस का होगा, मैं मानता हूं 5 से 6 फिनिशेस, ठीक है, 5 से 6 फिनिशेस, 6 फिनिशेस अगर चिकन निकाला तो 6 + 10 16 पॉइंट तो यहीं आ गए, लो भाई 16 पॉइंट तो यहीं आ गए, आधा काम तो तुम्हारा यहीं हो गया, 16 पॉइंट तो यहीं आ गए, ठीक है, 15-16 पॉइंट तो यहीं आ गए। अब तुमने सेफ खेल के हल्का सा मोमेंटम गेन कर लिया, मेरा मार, तुम्हें पता है कि तुम्हारा अजीब ही जाता है, मेरा मार पे रिस्क लो, मेरा मार पे रिस्क लो, मेरा मार पे फाइट लो, देखा जाएगा, देखा जाएगा, मेरा मार पे 5 पॉइंट निकालते, इस बार मेरा मार पे फाइट लो, जरूरत पड़े बंदे मारो, फाइट लो, फिनिशेस लो, हाँ जल्दी अकेले आगे नहीं जाएगा, ये एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि पहला नॉक नहीं होना है किसी को, मतलब समझ रहे हो, वो पहला नॉक वाला सीधा नॉक होता है मेरा मार्वे, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव नोटिस्ड, ये मैंने नोटिस किया, हो सकता है मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो -1 कर देना, मैंने नोटिस किया। तो मेरा मार्वे थोड़ी फाइट्स लो, मेरा कैमरा नहीं आ रहा यहां पे, रुको कैमरा चेक, सॉरी कर लो, सैनोक और इतिहास गवाह है कि सैनोक अच्छा चल जाता है, सैनोक पे पॉइंट्स आ जाते हैं, तो सैनोक पे तो मैं चिकन नहीं गिन रहा, बट मैं सैनोक पे टॉप 3 गिन रहा हूं, अगर टॉप 3 आ गए ठीक है तो 5 पॉइंट तो वहीं मिल गए, 4-5, 5-6 पॉइंट तो वहीं मिल गए टॉप 3 आने के, टॉप 3 एंड कर लिया तो पोजीशन के 5-6 पॉइंट हैं, 6 पकड़ लिया अभी के लिए, प्लस अगर तुमने थोड़े 4-5 फिनिशेस, 10 फिनिशेस, मतलब 10 तो ज्यादा बोले, चलो 4-5 फिनिशेस मार लिए, 5 फिनिशेस मार लिए, तो 11-12 पॉइंट्स तो यही हो गए, तो
हो सकता है भाई, अगर ऐसा टाइप का कुछ प्ले आए, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, हो सकता है। और मैं तो मिरामार को ज्यादा बड़ा काउंट कर भी नहीं रहा हूँ, 5-6 पॉइंट दे रहा हूँ।